कहानी के स्टार्टिंग में हमें कैडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान रोड पर किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही होती है। अब एक ट्रक ड्राइवर कैडी को देखकर अपना ट्रक रोक लेता है और कैडी उसमें बैठ जाती है, लेकिन आगे चलने पर वो ट्रक ड्राइवर कैडी को गलत तरह से टच करने लगता है, जिससे कैडी समझ जाती है कि आखिर वो ट्रक ड्राइवर चाहता क्या है। इसलिए कैडी भी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और वो उस ट्रक ड्राइवर के सारे कपड़े निकाल देती है। इसके साथ ही वो उसके शूज निकाल कर ट्रक से बाहर फेंक देती है। अब इससे पहले वो ट्रक ड्राइवर कैडी के साथ कुछ कर पाता, वो उसके सारे कपड़े लेकर ट्रक से उतरकर भाग जाती है, जिस पर ट्रक ड्राइवर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब कैडी पहाड़ी से घर को देखती है, इसलिए वो उस घर के पास चली जाती है, लेकिन उस घर का मालिक नहीं था, इसलिए वो घर के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद इस घर का मालिक आता है, जिसका नाम जेस है। जेस कैडी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, पर कैडी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिस पर जेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब जेस अपनी गाय का दूध निकालने के लिए बैठ जाता है, लेकिन कैडी यहाँ से नहीं जाती है, बल्कि वो उसके पास आकर उसकी गाय का कच्चा दूध पीने लगती है। कैडी जैसे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है, तब जैसे उसको बताता है कि 15 साल पहले उसकी वाइफ उसको छोड़कर जा चुकी है और वो अपने साथ उसकी दोनों बेटियों को भी ले गई है। इसके बाद कैडी अपना सामान लेकर घर के अंदर जाने लगती है और वो जैसे कुछ ऐसा कहती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैडी उसी की बेटी है। रात को ये दोनों ही एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तब जैस कैडी से उसकी माँ के बारे में पूछता है। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब कैडी जैस को बताती है कि हम दोनों बहनों को पालने के लिए हमारी माँ ने बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाए थे और मैं भी जब स्कूल में थी तब एक लड़के से प्यार करने लगी जिसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, इसलिए अब मेरे पास 2 महीने का एक बच्चा भी है, इसलिए समाज के लोग मुझे अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। जैस जब कैडी से उसके बच्चे के बारे में पूछता है, तब उससे कहती है कि मेरा बच्चा मेरी सिस्टर के पास है। ये सब सुनने के बाद जैस भी कैडी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद किसी तरह से जैस को यहाँ पर रहने के लिए मना लेती है। अब सोने से पहले कैडी जब अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तब जैस उसकी परछाई को देख रहा होता है। जैस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसे साइड विंडो से जाकर देखने लगता है। अगली सुबह कैडी उस जगह पर जाती है जहाँ पर जैस सिल्वर माइन पर गार्ड की जॉब करता है। कैडी को देखकर जैस उसके पास दौड़कर आता है और उसे बताता है कि इस माइन में इतनी सिल्वर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, इसलिए इस माइन में खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। लेकिन कैडी उससे कहती है कि इस माइन में इतनी सिल्वर जरूर निकल आएगी जिससे हम दोनों अमीर बन सकते हैं, पर जैस उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करना चोरी करने के बराबर होगा। लेकिन कैडी जेस को बताती है कि इस माइन से सिल्वर निकालने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस माइन का जो मालिक है जिसका नाम गैलेक्सी है, उसी के बेटे ने मुझे प्रेग्नेंट किया है, पर जब मैंने उससे शादी के लिए कहा तब उसने मुझसे मना कर दिया, इसलिए इस माइन पर जितना उसका हक है उतना ही मेरे बच्चे का भी है और अपने बच्चे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लेकिन जेस चोरी करना नहीं चाहता था, इसलिए वो कैडी को हाथ से खींचकर यहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो कैडी को एक चर्च में लेकर जाता है जहाँ पर फादर के थ्रू कैडी की कहानी सभी लोगों को सुनाई जाती है, लेकिन ये बात कैडी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो यहाँ से उठकर भाग जाती है। अब जैसे उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जब तक वो उसे रोक पाता कैडी यहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद वो घर जाकर देखता है, लेकिन कैडी घर पर भी नहीं होती है। अगले सुबह जैस कैडी के घर आने का इंतजार कर रहा होता है, तब वो देखता है कि कैडी को एक लड़का अपनी कार से घर छोड़ने के लिए आया है, इसलिए वो कैडी से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है। तब कैडी उसे बताती है कि वो मेरी फ्रेंड का भाई है। कैडी चर्च वाली बात को लेकर जैसे नाराज होती है, इसलिए वो कैडी को मनाने के लिए उसके रूम में आता है और वो कैडी से कहता है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ही वो कैडी से कहता है कि वो जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। तब जैसे उससे कहता है कि वो कल से माइन में खुदाई करेंगे। ये सुनकर कैडी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने वाले थे, लेकिन जैस खुद पर कंट्रोल कर लेता और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये दोनों ही एक साथ मिलकर माइन में खुदाई करने लगते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी इन दोनों को सिल्वर नहीं मिल पाती है, इसलिए दोनों ही थक कर घर आ जाते हैं। जैस कैडी से कहता है कि मैंने तुम्हारा पानी गर्म कर दिया, इसलिए तुम नहाने जा सकती हो, पर कैडी जैस के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है और पानी के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो उससे अपनी मसाज करने के लिए कहती है, जिस पर जैस उसकी मसाज करने लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि ये सब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, पर कैडी उससे कहती है कि इससे पहले मैं एक औरत भी हूँ, लेकिन फिर भी जैस यहाँ से चला जाता है।
जाता है जिस पर केडी को अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन ये दोनों फिर से माइन में खुदाई करने लगते हैं और इस बार इन्हें बहुत सारी चांदी मिल जाती है। लेकिन माइन में खुदाई करते समय इनको एक आदमी देख लेता है। इसके बाद ये दोनों ही चांदी बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं। यहाँ पर केडी जेस से कहती है कि जब तक तुम चांदी बेच कर आओगे मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, इसलिए वो एक शॉप में चली जाती है। लेकिन जेस जब चांदी बेच कर आता है तब केडी उसे वहां पर नहीं मिलती है, इसलिए वो शॉप की ओनर से केडी के बारे में पूछने लगता है। तब शॉप की ओनर उसे बताती है कि वो सामने वाले पब में गई है। तब जेस भी वहां पर चला जाता है। वो केडी को एक आदमी के साथ डांस करता हुआ देखता है, पर थोड़ी देर के बाद केडी उस आदमी के साथ जाने लगती है, जिस पर जेस उसे ऐसा करने से मना करता है और उससे कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। ये सुनकर केडी खुश हो जाती है। लेकिन पब में कुछ आदमी जेस के ऊपर हमला कर देते हैं, इसलिए जेस को बचाने के लिए केडी भी उसकी लड़ाई में कूद जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पुलिस केस हो जाता है और उन्हें कोर्ट में लाया जाता है। पर जज उनके ऊपर फाइन लगाकर दोनों को ही छोड़ देता है। घर जाते समय केडी और जेस दोनों ही काफी खुश होते हैं। घर पहुंचकर केडी देखती है कि उसकी बड़ी बहन जेनी उससे मिलने आई है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। जेनी अपने साथ केडी के 2 महीने के बच्चे को भी लेकर आई होती है। केडी अपने बच्चे को जेस को दिखाने लगती है, लेकिन जेस उसे देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो अंदर चला जाता है। लेकिन वो केडी के बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहता है, क्योंकि केडी जब उसे अपना बच्चा देती है तब वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो बच्चे के पेट पर एक रेड निशान देखता है, जिसके बारे में वो केडी से पूछने लगता है। तब वो उसको बताती है कि ये निशान जब से वो पैदा हुआ है तभी से उसके पेट पर है, इसका मतलब ये था कि वो उसका बर्थ मार्क है। तभी जेनी केडी को बताती है कि इस बच्चे का पिता, जिसका नाम बाश है, वो उससे शादी करना चाहता है और उससे कल मिलने आने वाला है। ये सुनकर जेस उदास हो जाता है। अगले दिन बाश केडी से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन पहले तो केडी उससे नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अब वो जेस से भी माफी मांगता है और उसकी बेटी से शादी करने के लिए कहता है, इसलिए जेस भी मान जाता है। रात में जब ये सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तब जेस को अपनी ओर एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो बंदूक लेकर बाहर चला जाता है। ट्रक के अंदर से एक आदमी उतरता है जिसका नाम मोक है। दरअसल मोक वही आदमी है जो जेस की वाइफ को भगा कर ले गया है, लेकिन अब वो उसकी वाइफ को अपने साथ लेकर आया है क्योंकि उसकी वाइफ का आखिरी समय चल रहा है और वो अपनी फैमिली के बीच मरना चाहती है। रात में मोक जब जेस की वाइफ से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है तब वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस पर मोक भी उसके ऊपर हमला करता है और वो उस हमले में मारी जाती है। सभी को यही लगता है कि उसने सुसाइड किया है, इसलिए अगले दिन उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है। लेकिन जेस नोटिस करता है कि यहाँ पर सभी लोग हैं लेकिन मोक यहाँ से गायब है। वो समझ जाता है कि वो जरूर सिल्वर माइन में खुदाई करने के लिए गया होगा, इसलिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मोक माइन में खुदाई कर रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जैसा निशान केडी के बच्चे के पेट पर है वैसा ही निशान मोक के पेट पर भी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि केडी ने उससे झूठ बोला है, उसके बच्चे का पिता बाश नहीं बल्कि मोक है, इसलिए वो उसके गोली मार देता है। लेकिन मरने से पहले मोक उसको बताता है कि केडी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और हमारी फैमिली में जो भी लड़का पैदा होता है उसके पेट पर ऐसा ही निशान होता है। मोक के मरने के बाद जेस बाश के फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और वो उसकी फैमिली को बताता है कि केडी का बच्चा बाश का नहीं बल्कि मोक का है। दरअसल जेस नहीं चाहता था कि केडी बाश से शादी करे क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। अगले दिन केडी शादी के लिए बाश के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी बाश यहाँ पर नहीं आता है। अब जेस केडी को लेकर माइन में जाने लगता है, लेकिन तभी केडी का पैर फिसलता है, वो गिर जाती है और पहली बार ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए इनको एक आदमी देख लेता है। अगले दिन दोनों को ही कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, क्योंकि एक बाप बेटी के बीच में ऐसा रिलेशन लीगल नहीं माना जाता है। जेस केडी को बचाने के लिए जज से कहता है कि मैंने ही केडी के साथ जबरदस्ती की थी। अब जज उसको सजा सुनाने ही वाला था, लेकिन तभी केडी से रहा नहीं जाता है और वो जज से कहती है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है वो हमारी मर्जी से हुआ है। तभी वो जज से कहता है कि केडी मेरी बेटी नहीं है और इस बात को साबित करने के लिए वो केडी के बेटे के पेट पर बने बर्थ मार्क को दिखाता है, क्योंकि ऐसा ही बर्थ मार्क मोक के भाई के पेट पर भी बना हुआ था। बर्थ मार्क को देखकर जज को यकीन हो जाता है कि केडी जेस की बेटी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। कोर्ट से बाहर केडी को बाश मिलता है और वो उसको बताता है कि जेस ने ही उसके घर आकर ये बताया था कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि मोक का है। इसलिए केडी अपने पिता के पास आकर उससे कहती है कि मुझे अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए बाश के ही साथ जाना होगा। इसके लिए जेस भी मान जाता है और केडी बास के साथ अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।